2012 में मैंने पहली बार दास्तानगोई की परफॉर्मेंस देखी थी, जो कि श्रीराम सेंटर में हो रही थी। दास्तान मंटोइया चल रही थी और मैं क्या देखता हूँ कि दो लोग सफ़ेद लिबास में एक तख्त पर बैठे कुछ कह रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। और जब मैंने सुनना शुरू किया तो वो बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग था। दास्तानगोई कलेक्टिव से मैं करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने दास्तान अमर अय्यार और अमीर हमजा के बचपन की, दास्तान आज़र जादू की, दास्तान लका। जब दूसरी तख्ती की नौबत पहुंची कि अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर दो नुक्ते, तो और भी अमर की तबीयत घबराई, मिजाज ने शरारत दिखाई, हमजा से कहने लगा, तुमको अख्तियार है इस मुल्ला के पास पढ़ो, अपनी औकात ज़ाया करो, मैं तो नहीं पढ़ने का। अरे मैं कायदा पढ़ने को आया हूँ या हिसाब समझने की किताब लाया हूँ? मैंने कई तरह की दास्तानें अलग अलग पार्टनर्स के साथ की हैं और रिवायती और गैर रिवायती दास्तानें, इन दोनों को जो है करने का अलग अलग चैलेंज होता है और अलग ही मजा होता है। और लाठी उठाकर अमर को पकड़ने जब बाहर निकला तो बीवी पीछे से बोली, अबे हरामखोर, अबे अब ये दिन आ गए हैं कि शागिर्दों को भेज के मुर्गियां चोरी करवाता है, अबे पेट है के बरसाई। लेकिन हाजरीन, वो घुटी घुटी सांसों और फटी फटी आंखों से हाथ पैर चितराए मुल्ला अमर को बाहर ढूंढ रहा था कि पीछे से आके बीवी ने एक ढाल जमाई। मुल्ला मुंह के बल गिरा, दामन झाड़ता उठा और सीधे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ दौड़ा। दास्तानगोई सिर्फ प्लेन स्टोरी टेलिंग नहीं है, पर जिस तरीके से एक दास्तान में किस तरीके से पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती है, कटाक्ष भी होता है, व्यंग भी होता है, तो मुझे लगता है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए दास्तानगोई जैसा आर्ट फॉर्म बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है।